नमस्कार, आप देख रहे हैं जी के खबर। मैं हूं पंकज शर्मा। मैं इस समय की बड़ी खबर आपको, बड़ा दुखद समाचार इस समय बिलावर के पलन रामगढ़ इलाके की बताने जा रहा हूं कि बड़ा दुखद समाचार है कि 21 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव जो है वो टावर के नीचे मिलता है। ये रामगढ़ इलाके की बात कर रहा हूँ, ये पलन का इलाका है। लेकिन बड़ा दुखद समाचार है कि आए दिन हर रोज़ हादसों का शिकार होता है। कहीं ना कहीं पता नहीं क्या है इस बिलावर को हो गया है, कहीं ना कहीं हर रोज़ सुसाइड है, मर्डर है, आत्महत्या है या फिर क्या है। हर रोज़ ये खबरें, ऐसी बुरी खबरें हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। लेकिन बड़ा ही दुख रहता है जब हम इस तरह की रिपोर्ट या खबर करते हैं कि 21 वर्षीय व्यक्ति के संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव जो है वो टावर के नीचे मिलता है। ये रामगढ़ इलाके की बात कर रहा हूँ, पलन इलाके की। लेकिन पुलिस भी मौके पर पहुंची और उस शव को कब्जे में लेकर बिलावर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मैं खबर पलन इलाके रामगढ़ की बता रहा हूँ। लेकिन व्यक्ति जो है वो इंजीनियरिंग करता था बाहरी राज्य में। वो घर आया हुआ था, रात को सोया था और उसी के बाद सुबह जब 4 बजे के आसपास की बात है तो सैर करने के लिए निकला। जो घर वालों का कहना है, सैर करने के निकला के लिए निकला और उसी के बाद 7 बजे के आसपास की बात है तो उसका शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में एक टावर के नीचे मिलता है। ये बड़ा दुख है, लेकिन ओम शांति जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। देखते रहे जेके खबर नाउ पंकज शर्मा के साथ। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुंडा घर आया हूँ, उनको 2-3 दिन का ये ट्रेनिंग करता है बाहर, इंजीनियर जी। कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं ये? मेरे ख्याल में चंडीगढ़ में करता था, ये बाहर करता था ट्रेनिंग जी। तो आया है घर पर था सुबह, ये रात को सोया अपने घर अंदर में, सुबह सैर करने के लिए निकला ये घर से। ये पता नहीं है कि 4 बजे निकला, 5 बजे निकला, 6 बजे निकला, निकला था वहाँ से। तो बाहर तो उसके बाद वहाँ हमको इनके पेरेंट्स को फोन आ गया, फिर 6:30 बजे के बाद 7:45 बजे फोन आ गया कि उसकी वहाँ पड़ा हुआ है टावर के नीचे, देखो उसको आ करके। तो गए वहाँ से जाकर देखा तो वो तो मर्डर था, हो गया तो मर्डर हो गया। आपको क्या शक है, आपको क्या लगता है? हमें शक है कि मर्डर है, उसका बाजू भी तोड़ दिए, बाजू तोड़ दिए। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था? वो नहीं था, लड़ाई झगड़ा नहीं है बेचारे का, बैरिंग नहर श्री कोई उसको याद नहीं था। कोई कहे के नशा करता था, कोई करता, पर पूजा पाठी आदमी था, वो वैष्णव आदमी था। ये कॉलेज में पढ़ाई करता था, ये इंजीनियर के कॉलेज में करता था। यहाँ अपने जम्मू में आए हुए कितने दिन? 2-3 दिन हो गए। हाँ, तो ये बड़ा न्यायती शरीफ शरीफ था, इसकी कोई तकरीबन 21 साल उम्र होगी इस वक्त मेरे ख्याल में। तो वहाँ कोई नज़दीकी घर हैं, कोई 8-10 घर हैं नज़दीक, क्या बताऊँ। यहाँ से कितने भाई बहन हैं? ये 2 भाई बहन, एक भाई बहन। हाँ, इसका पिताजी जो है वो ठेकेदारी का काम करते हैं। नहीं, बताया जा रहा है कि आज उनके पिताजी जो बाहर थे उस टाइम कहीं जा रहे थे, लड़की जी का पेपर था उसका जम्मू में। हाँ, वो भी तो वो कहीं इंटेलिजेंट बच्चा था, ये सुपर इंटेलिजेंट था ये बच्चा, दोनों ही बहन भाई थे दोनों। आपका शक है कि ये मर्डर है? सॉरी, मर्डर है, नॉट सुसाइड, मर्डर है, क्लियर मर्डर है ये। उसका बाजू तोड़ दिया है, उसकी टांग तोड़ दी है और उसका ये सिर में भी चोटें लगी हुई हैं। कुछ लोग वही के बता रहे हैं जैसे कि टावर के नीचे, तो टावर से गिर गया या खुद टावर पे, कुछ इस तरह के सुनने को मिला। गिरने का कोई मतलब ही नहीं था, टावर पर जाने का उसका कोई मतलब नहीं था। वो सैर करने के लिए सुबह जाता था, तालाब है वहाँ पर, तालाब पर जाता था सैर करने के लिए जाता था। इसका किसी के साथ उसका कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है उसका किसी के साथ भी नहीं है, ये नहीं है। लेकिन वहाँ हो सकता है, वहाँ घर हैं, कुछ वहाँ लोग आते जाते हैं, कोई रात को आते हैं 12 बजे, कोई मोटरसाइकिल लेकर आता है वहाँ, कुछ आता है। जो वहाँ पुराने रहते हैं मुसलमान हैं वहाँ, हम उनको ड्रेस बोलते हैं, पुराने रहते हैं, बड़े कदीमी हैं, उन पर कोई शक नहीं है बेचारे पर, कोई नहीं है। अच्छा, आपको नहीं, उन पर नहीं, हम करते हैं, नहीं आए हैं वहाँ बस्ती, बाहर से आए हैं, कोई उधर से गुंडा से कोई ऊपर से आया। तो आप हत्या की शंका जता रहे हैं? हत्या है, ये मर्डर है। 21 वर्षीय युवक की जो है वो हत्या की गई, क्लियर मर्डर।